चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े इंटरव्यू के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस और विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। सीतारमन ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ एक झांसा है और उसमें कोई विजन नहीं है। एमएसपी की गारंटी के सवाल से लेकर 1 लाख रुपए देने की बात को भी उन्होंने खोखला वादा बताया और कहा कि एक झटके में कोई गरीबी नहीं हटा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजन और संकल्प से भारत में 25 करोड़ लोगों को भयानक गर्मी से बाहर निकाला है, माफ कीजिएगा, भयानक गरीबी से बाहर निकाला है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। लक्ष्मण रॉय के साथ देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के कुछ हिस्से। मैनिफेस्टो जारी किया मुख्य तौर पे प्रमुख विपक्षी पार्टी और दूसरा भाजपा ने भी किया, तो जब दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मैंने ये देखा कि कांग्रेस बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही आकर्षक वादे किए हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम 30 लाख सरकारी भर्तियां भरेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, हम गरीबी छूमंतर कर देंगे। दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि हम निवेश से नौकरी करेंगे, हम कृषि को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के वादे और स्पेसिफिक ये वादे, तो आपको क्या लगता है इसको कैसे देखती हैं, जनता को ज़्यादा आकर्षित कर पाएंगे कांग्रेस का मैनिफेस्टो? इसमें एक बात मैं ज़रूर जोड़ना चाहती हूँ, जो मैनिफेस्टो में लिखित रूप में आपको दिखता नहीं कि जनता ये भी उसमें से समझते हैं कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद राज्य और राष्ट्र के हालात गंभीर और नासुक नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए ऐसे ही लुभावने वाले बात हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी दिए और सरकार में आए भी कांग्रेस। आज तक आप देख लीजिए पिछले 1 साल में से बार बार कर्नाटका के मंत्रीगण भी, चीफ मिनिस्टर भी मोदी जी को दोषी ठहराते हैं कि हमें पैसा नहीं है, ये सब प्रोग्राम हम चलाना है। और खुद उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये भी कहा कि ये पूरे कार्यक्रम के लिए पैसा दे दिया, मैंने डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा बचा नहीं है, देना ही पाऊंगा। यही हुआ राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की थी, तब की मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी ने ओपनली ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को जाएंगे, न्यू पेंशन छोड़ देंगे। क्यों आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ओपीएस के विषय जिक्र नहीं हुआ? और जब पूछने में फॉर्मर वित्त मंत्री जी बोलते हैं नहीं नहीं वो प्रीमेच्योर होगा, प्रीमेच्योर के बाद हिमाचल भी बोले और राजस्थान भी बोले। इसीलिए मैं सारांश इस विषय का, जनता ये देख रहे हैं कि प्रॉमिस देने वाले कौन है और उसको सक्षम तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले कौन होंगे। कांग्रेस 3-4 बार एक्सपोज हो चुके हैं ऐसे लुभावने वाले बात देना प्रॉमिस के नाते और जनता को उसके बाद हाथ उठाना। इसमें मैं थोड़ा सा एक दो स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जो वादा भी किया गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बन जाएगा, जाहिर तौर पे 2047 तक गरीबी हट जाएगी ये मान के चला जाएगा विकसित भारत बनता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे, तो कितना फिजिबल है गरीबी को जल्द से जल्द हटाना, क्योंकि ये तो एक झटके में गरीब हटा देंगे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। एक झटके में अगर हट जाता गरीबी, माननीय इंदिरा जी को वो शायद वो मैजिक वॉन्ड उनके हाथ में नहीं है ऐसे करके एलिवेट गरीबी हटाओ हटाओ, हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा क्यों लगाना था। सो राहुल गांधी ऐसे पिक्चर दे रहे हैं जो उनके पिताजी या दादी जी और इवन उनके परदादा, उनको इतना ज्ञान नहीं था, ही कुडंट दे कुडंट डू इट और ये मैजिशियन आ गए हमें। यही बात ना, इरेस्पॉन्सिबली जब बात करना है आप जो भी प्रॉमिस देना है दे सकते हो। पॉवर्टी एलिविएशन भारत में ये एक डायमेंशन का नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर के नाते हम देख उस हर एक इंडिकेटर को उपयोग करते हुए देखना पड़ेगा। पैसा भी क्यों ना हो, एक्सेस टू एजुकेशन अगर नहीं है, एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी अगर नहीं है और एक्सेस टू स्किलिंग अगर नहीं है, कोई भी परिवार उस हालात से ऊपर उठकर आना असंभव है।
इसीलिए मोदी जी का एम्पावरमेंट के लॉजिक को लेकर के हर एक पहलू, गरीबी का कारण जो होता है, उन सब के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स लेके आ रहे हैं। एंड इसके कारण कोविड के बावजूद भी भारत में 25 करोड़ लोग को उस क्या बोलते हैं गहरा पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर उठकर आ सके। इसीलिए पॉवर्टी को ये पैसा फेंको गरीबी हट जाएगा इस रास्ते से सोचने वाले गलत सोच। एलन मस्क जैसे उद्योगपति का आना, निवेशक का आना एक इसमें और एडिशन करेगा। जरूर, हम तो वेलकम करते हैं कि प्लीज सब इधर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करिए, क्योंकि वातावरण इधर अनुकूल है, हमारे युवा अच्छा क्वालिफाइड स्किल्ड भी हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सस्ते में भारत में सब फैसिलिटी मिलता है। इसीलिए हम तो खुलेआम सबको इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। कुछ आप शेयर कर सकें कि एलन मस्क का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आप देख रही हैं? मैं एक बड़ा सा कंपनी भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग का इंटरेस्ट अगर दिखाते हैं, उससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट एक अच्छा संदेश मिलता है कि हाँ, भारत में हाई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बड़े कंपनियां आकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब हमारी पॉलिसी ठीक है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वातावरण अनुकूल है और इसमें भारत का भी उपयोग है, विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली रही, बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 455 अंक और निफ्टी 152 अंक गिरकर बंद हुआ। सुमित से इस पूरी मार्केट अपडेट के लिए अब सीधा जुड़ते हैं। तो सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की गिरावट में बाजार की हाईलाइट्स क्या रही हैं? देखिए, आज काफी वोलेटाइल सेशन मार्केट्स ने दिखाया, जहां पर फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट्स में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, उसके बाद हायर लेवल से तेज बिकवाली आई, एक-एक बिकवाली मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। उस बिकवाली को मार्केट ने फिर सस्टेन किया और लास्ट आर तक एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ी। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सेशन आज आता हुआ दिखाई पड़ा और एक समय में जहाँ पर निफ्टी 22,000 के ऊपर फर्मली कामकाज कर रहा था, 22,300 पार किया था, वहीं सेकेंड हाफ तक आते आते 22,000 के नीचे तक पहुँच गया था और वापस फिर मार्केट ने एक अच्छा वोलेटाइल सेशन दिखाया। तेज़ बिकवाली आईटी में रही, तेज़ बिकवाली बैंक्स में रहा, मेटल में दबाव रहा, एफएमसीजी आज टूटता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक वीक सेशन, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो फार्मा, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, यहाँ पर प्रेशर और वॉलेटिलिटी रही। आईटी और बैंक्स यहाँ पर तेज उतार चढ़ाव आता हुआ दिखाई पड़ा। ओके, तो सुमित, आप ये भी बताएं कि कौन से सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा कमजोरी दिखाई दी? तो सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात किया तो उसमें भारतीय एयरटेल का नाम शुमार है। आज नए ऑल टाइम हाईस पर पहुंचा, मार्केट कैप करीब करीब 7 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ पहुंची। पावर ग्रिड करीब 2% की तेजी यहां रही। बजाज ऑटो 1% ऊपर रहा, हिंडालको 0.5% ऊपर रहा। गिरने वाले शेयरों में अपोलो हॉस्पिटल 4% की बिकवाली, नेस्ले 3.5% टूटा, ओएनजीसी करीब करीब 3% नीचे रहा, टाइटन करीब 3.5% नीचे रहा। मिड कैप में जस्ट डायल में आज जोरदार तेजी थी, 13.5% का उछाल। हिताची एनर्जी करीब करीब 10% ऊपर, मास्टेक 8% ऊपर और 361 करीब करीब 6.5% तेजी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में स्टरलाइट टेक 9% नीचे रहा, सन फार्मा एडवांस लोअर सर्किट पर, एजिस लॉजिस्टिक्स 4% बिकवाली और सीएसबी बैंक करीब करीब 3.5% ये भी टूटता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल कई सारे शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में तो खुले थे लेकिन हायर लेवल से बिकवाली की चपेट में आके लाल निशाने बंद होते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आज से खुल गया है, जो 22 अप्रैल को बंद होगा। कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कंपनी के सपोर्ट में सरकार के बयान आते रहते हैं और सरकार का कंपनी को सपोर्ट हमेशा रहेगा। टेलीकॉम मिनिस्टर काफ़ी वोकल रहे हैं एजीआर को लेके और टेलीकॉम इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेके। मुझे लगता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ भी उन्होंने बातचीत भी की है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेके। आपने क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में एजीआर ड्यूज को लेके। एक पर्टिकुलर लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट पे एजीआर की पड़ी हुई है जो सरकार की है, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा इस फंड रेज को लेके, इस एजीआर ड्यूज को लेके? क्या वो कन्वर्ट करेंगे इक्विटी से? आपका क्या सेंस है किस तरीके से गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेलीकॉम इंडस्ट्री खास करके वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट कर रही है?
सो देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ये तो बहुत क्लियर है, बिकॉज जो रिफॉर्म्स पैकेज आया उससे बड़ा कोई एग्जांपल हो नहीं सकता जी। और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने समय समय पर स्टेटमेंट्स भी दिए, और खासकर कल ही मैं देख रहा था कि हमारे मिनिस्टर साहब ने और फाइनेंस सेक्रेटरी, उन दोनों ने स्टेटमेंट दिया है कि उनको चाहिए कि टेलीकॉम में अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए फॉर द गुड ऑफ द इंडस्ट्री। सो वो तो हो ही रहा है, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट हमारे लिए हमेशा रहेगा, ये तो दिख रहा है। चलिए, बुलेटिन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब आपको दिखाते हैं वो खबर जिसमें अहमदाबाद के कारोबारी ने अपने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर दी है। भावेश भंडारी इनका नाम है, और अब भावेश भंडारी अपनी पत्नी के साथ जैन साधु बनने जा रहे हैं। कुछ समय पहले उनके नाबालिग बेटा बेटी ने भी संन्यास ले लिया था। धन दौलत शोहरत छोड़कर साधु बन रहे भावेश भंडारी के घर से केतन जोशी की देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। ये है भावेश भाई और जिनल बेन भंडारी, दोनों पति पत्नी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब इस वस्त्र में नहीं होंगे, लेकिन इस संस्कार की जो भौतिक सुख सुविधा है उनको त्याग कर वो एक जैन मुनि बन गए होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन भावेश भाई है वो बड़े कारोबारी है, लैंड का कामकाज भी है और फाइनेंस भी करते है। उनके गुरुजी ने हमारे साथ बात करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि अब वो ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं वहां पर पब्लिसिटी का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक भावेश भाई इस संसार में 100 करोड़, 150 करोड़ या तो 200 करोड़ या तो उनसे भी अधिक वो अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उतनी संपत्ति छोड़कर एक ऐसे मार्ग पर चल पड़े है जहां पर शरीर ढकने के लिए सिर्फ कपड़ा होगा, पैर के अंदर न तो आप जूते पहन सकते हैं ना तो चप्पल पहन सकते हैं। इससे भी सबसे बड़ी बात कि कुछ साल पहले इनके बेटे और बेटी ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली, यानी कि इस संसार को छोड़कर वो ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां पर मानव हित तो होता ही है, साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों को भी किस तरह से बचाया जाए उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, ऐसे कठिन रास्ते पर वो चल पड़े है। बेटे बेटी ने तो संन्यास ले लिया, अब ये लोग भी जा रहे हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य रहेगा कि इस संसार में सबको अच्छी तरह से सुख रहे, और वो हर एक न केवल इंसान को लेकिन प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा और दया रखे, इस तरह का उनका भाव रहने वाला है। अगले 5 दिन तक अहमदाबाद में बहुत बड़ा समारोह होगा, वो मूलतः हिम्मतनगर के है, लेकिन पति पत्नी ने एक साथ इस संसार की सारी सुविधाएं सारे सुख साहिबी छोड़ने का फैसला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, न तो मोबाइल रहेगा, न घड़ी रहेगी, न ये वस्त्र रहेंगे, न ये पैसा और धन दौलत रहेंगे, लेकिन इस संसार को छोड़कर उनके चेहरे पर कोई ग्लानी नहीं है लेकिन खुशी हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जैनम जयति शासनम। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की, जहां पिछले 75 साल में सबसे तेज बारिश हुई है। यूएई समेत खाड़ी के कुछ देशों में अचानक आई भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है, और तूफान से यहां पर हाल बेहाल है। कई शहरों में बाढ़ आ चुकी है। दुबई में ही कुछ घंटों के अंदर इतना पानी बरस गया जितना 1.5 साल में बरसता है। भारी बारिश के चलते कई लोगों की मौत भी यहां पर हुई है, इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। ओमान में बारिश से मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। बात करें दुबई की, तो यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब करीब 6.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है और लगभग 300 उड़ानों को रद्द यहां से किया गया है। खाड़ी देशों में अभी और आंधी तूफान और बारिश की आशंका जताई गई है।
तो कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होगा, इससे पहले कहां क्या है समीकरण, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज देखते रहें और हमारे सोशल हैंडल्स के जरिए भी अपडेट रहना जरूर रहें।